कृषि विधेयक बिल को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम मचा हुआ है, जहां इस बिल को पास किए जाने के बाद विपक्षियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। शनिवार को बिष्टुपुर के तिलक पुस्तकालय में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर विरोध करती रहेंगी। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल लाने में जल्दबाजी दिखाई और राज्यसभा से लोकसभा तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाया गया। केंद्र सरकार इन काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। देश के अन्नदाता और भाग्य विधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नए अध्यादेश के माध्यम से किसान को ठेका प्रथा में फंसाकर उसे अपनी ही जमीन में मजदूर बना देने की मंशा बनाने में लगी है। वहीं कांग्रेस पार्टी कृषि विधेयक अध्यादेश के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दी है, जिसके तहत 28 सितम्बर को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, 2 अक्टूबर को मार्च होगा और 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस में दरार साफ दिखाई दे रही थी। जिला अध्यक्ष का गुट मौजूद था, लेकिन पुराने कांग्रेसी नदारद रहे। किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल लाया है, वो बिल एक तरफ लोकतंत्र को जिस तरीके से बिल को प्रस्तुत किया है, तो पहली बार ऐसा देखने में मिला कि लोकतंत्र को इन्होंने गला घोट दिया है पूरी तरीके से। और राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इन्होंने माखोल उड़ाया है, इसके लिए देश की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश की आत्मा किसानों में है, मजदूरों में है, और उसी को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर ही राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि जहाँ न ऊँचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, बुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांव में। तो जो हिंदुस्तान की आत्मा है वो किसानों में निहित है, मजदूरों में निहित है, और जिस तरीके से ये कृषि बिल लाया गया है, ये पूरी तरीके से लगता है कि जमींदारी प्रथा को कैसे करके फिर से पुनर्जीवित करना है, ये उसके लिए एक सोची समझी साजिश है। लोकतंत्र का एक नियम है कि कोई भी बिल लाया जाता है तो उस पर जो है पक्ष विपक्ष चर्चा करता है, और पक्ष विपक्ष के चर्चा के बाद मत विभाजन होता है। तो इस सरकार ने ना पक्ष विपक्ष की चर्चा कराई, ना मत विभाजन किया, ना इसको जो है तरीके से पेश किया, और बहुत ज़्यादा होता तो फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता, वहाँ से राय विचार आती, तो और राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद भी जो है वहाँ किस तरीके के कुकृत्य हुए हैं, ये सभी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी जहाँ तक बीज के दलालों की बात है, हो सकता कि ये इसमें सुधार किए जाने के लिए इस पर जो है इन लोगों को बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, लेकिन इस तरीका का जो बिल आया है, मैं समझता हूँ कि कृषि का जो दायरा होता है वो दायरा सेंट्रल लेवल का नहीं है, ये राज्य सरकार को नीतिगत इसमें निर्णय राज्य सरकार के होने हैं। क्योंकि आप देखिए जो सूची बनाई गई है कि किन किन चीज़ों पर राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी और किन सूची के कितने विषय पर केंद्र निर्णय लेगी, मैं समझता हूँ कि ये राज्य के भी अधिकार पर कहीं ना कहीं कुचराधार है, और ये बीच के छोटे दलालों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों के हवाले यदि कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे लोग तो थोड़ा बहुत किसान को चूसते हैं, ये तो उसको जो है मालिक से मजदूर बना देगा,
तो हम समझते हैं कि ये पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र की भाजपा सरकार ने ये किसान बिल लाया है जो पूरी तरीके से इस देश के विरुद्ध है।